सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि आज से हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं तरंगति नामक चैप्टर का न्यूमेरिकल, और इसके न्यूमेरिकल थोड़ा टेस्टी हैं, और किसी लेसन में न्यूमेरिकल है नहीं। तरंग के जो भी है वो बहुत सरल है, 2-3 है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा है, तो मैं इसलिए आप सबको इसके थोड़ा सा सूत्र सिखा दूं और सवाल जो है धूमधड़ाके से लगे। सूत्र डिपेंडेंट सवाले हैं, ये भी जान लीजिए, जितना सूत्र पढ़ोगे उतने सवाल क्लियर होगी। तो चलिए मिस उनेसा का नाम लेकर के ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तरंग की चाल, कोई बोलेगा नहीं, सभी लोग जानकारी के साथ देखें। बी बराबर लेमडा अपान टी और बी बराबर ए एन इंटू लेमडा, दोनों होता है। तो यहाँ एन का मतलब आवृत्ति से है, लेमडा का मतलब तरंग दैर्ध्य से है, कैपिटल टी का मतलब आवर्तकाल से है। और यहाँ एक फर्जी सूत्र जो है, एन बराबर वन अपान टी या टी बराबर वन अपान एन, बचपन से चल रहा है। हाँ, उसके बाद बच्चों जो इस चैप्टर के सूत्र है अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग की चाल के, जैसे कि आपको बताए हैं अनुप्रस्थ तरंगे किन किन माध्यमों में चले हैं और अनुदैर्ध्य तरंगे कैसे कैसे माध्यमों में चलती हैं, सबके सूत्र ध्यान दीजिएगा। अनुप्रस्थ तरंग अगर कभी रहेगी तो ध्यान से देखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग बेचारी केवल ठोस में और द्रव तल पर या तनी हुई डोरी में, गौर फरमाइएगा, ठोस माध्यम में चाल, बोल दो हमसे अंडरूट ईटा पार्टी, पूछो हमसे ईटा क्या है, दृढ़ता गुणांक है सत्यम, आगे देखो। और तनी हुई डोरी में चाल जो है वी बराबर अंडरूट टी अपान एम, एम क्या है एकांक लंबाई का द्रव्यमान और टी क्या है तनाव बल। ऐसे बात नहीं करते हैं, जब जो है बात आती है अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल की, तो अनुदैर्ध्य तरंग की चाल नुनेसा जल्दी बताओ जरा, ठोस द्रव गैस, ठोस में भी बराबर अंडर रूट वाई अपान डी, ये ठोस का है, और द्रव माध्यम में भी बराबर अंडर रूट बी वाई डी, गैस माध्यम में भी वी बराबर अंडर रूट बी का मतलब होता है माध्यम का आयतनात्मक प्रत्यास्थ गुणांक और डी का मतलब होता है घनत्व। तो गौर फरमाइएगा, जब कोई ध्यान दीजिएगा ध्वनि तरंगों के बारे में, तो ध्वनि तरंग की चाल का सूत्र याद कर लीजिए, वी बराबर अंडर रूट का पसवा बताया था, लाप्लास से लप्सी आता है, गामा आर की बताया था, यही सूत्र है। कोई आवाज नहीं निकालिएगा, 5 सवाल बोले हुए हैं। पहला सवाल है, एक रेडियो प्रसारण केंद्र की आवृत्ति 30 मेगा हर्ट्ज है। प्यारे बच्चों आवृत्ति को यंत्र से लिखे 30 मेगा, मेगा माने 10 की घात 6, कोई बोल तो नहीं रहा है, कह रहा है इनकी तरंग दैर्ध्य बताओ। एक चीज आज आपको बता दे रहे हैं कि जब रेडियो प्रसारण केंद्र होती है रेडियो तरंगे निकालते हैं, रेडियो तरंगे प्रकाश के वेग से चलती है, देर आए तो ना देर आए तो जानत रहे, चाल प्रकाश की चाल आकर 3×10⁸। अब सवाल खत्म हो गई, क्योंकि बी बराबर क्या फार्मूला होता है, एन लेमडी, तो लेमडी बराबर बी बटा एन, लेमडी बराबर, गौर फरमाइएगा, बी का मान क्या है जोर से बोल दीजिए आप लोग, और एन का मान ऐसे कुछ, गौर फरमाइएगा, 3 × 30 10⁷, कुल 10 मीटर, ये हमारा जो है तरंग दैर्ध्य आ गया। दूसरे सवाल के अति करीब पहुंच चुके हैं। 250 आवृत्ति वाली तरंग की लोहे में चाल 4800 मीटर पर सेकेंड, 250 आवृत्ति है और लोहा में चाल कितना है, माने ये जो है ठोस माध्यम में चाल दिया है, कोई ध्यान ना दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, तरंग दैर्ध्य क्या होगी, लोहे में तरंग दैर्ध्य लेमडी पूछ रहा है, और वाई में तरंग दैर्ध्य क्या होगी जबकि चाल बदल जाए। पहला कारण लेमडी वी अपान एन, तो 4800 अपान 250,
जीरो जीरो आवाज नहीं, 4 8 32 4 16 3 19 19.2 मीटर। ये हमने जो है 4 से स्टाइल में गुणा कर दिया, जान लो भाग हो गया। फिर तरंग की वाई में तरंग दैर्ध्य बताओ, चाल तरंग दैर्ध्य फिर से वाई में पूछ रहा है, तरंग दैर्ध्य इन वाई, चाल कितना दे दिया 331 और आवृत्ति कितना है 250। 4 × 4 = 12 + 12 = 13 1.324। इस तरह से जो है हमारा तरंग दैर्ध्य आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। लोहे में यंग बता, सगुणांक 2 × 10^11। प्यारे बच्चों लोहे में यंग मॉडुलस 2 × 10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाई का मान दिया हुआ है, कोई हमसे बात मत करना। घनत्व तो 8 × 10^3, तो घनत्व तो डी बराबर 8 × 10^3। पूछो क्या पूछ रहा है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तरंग की चाल वी बराबर ठोस माध्यम में क्या होती है, होती है, तो वाई बाई डी का प्रयोग करते हैं और वाई का खूबसूरत मान डी के साथ 9 × 10^11 8 × 10^3 यकीन करिए हमारा 2 × 4 तो 1/4 1/2 वर्गमूल 11 × 3 = 8 / 4 तो 5 × 10^3 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन मेरा थोड़ा सा स्ट्रांग है। आगे सवाल पढ़ते हैं। स्टील में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल 6 km/s चौथा सवाल है, 6 km/s वी बराबर 6 × 10^3 ऐसे ऐसे तैसे जैसे कैसे वैसे। घनत्व 8 × 10^3 घनत्व तो कितना दिया है, क्या पूछ रहा है, यंग मॉडुलस। याद करिए भी बराबर बचपन में क्या पढ़े थे आप, पढ़े थे दो स्क्वायर वी स्क्वायर डी बराबर वाई फिर से बुरा भी कर दिए तो वाई बराबर वी का स्क्वायर करो 6 × 6 = 36 10^3 आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा कि 36 और 8 का गुणा 288 होता है और 2 × 10^11 कर देते हैं और इस तरह से जो है ये गुणन आ गया। और अब आप जो है इतनी सवाले लगाइए।